तो मैं यही चीज इस तरह लगा होता था, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, फिर आवर्स एंड आवर्स. तो काफी बोर काम है, बट ये आप जब रिजल्ट्स देखते हैं कि उसे क्या आ रहे हैं, तो फिर इतना बोर काम आदमी करता है कैसे रहता है, मुझे तो ये नहीं समझ आती. आपकी जब एंड में विजन होती है ना कि आप क्या अचीव कर लेंगे इसके बाद, तो जैसे एक इंसान जिम जाता है, अपने आप क्या विजन था? विजन यही था कि आई शुड बी एबल टू प्ले व्हाटएवर इज इन माय हेड. वो तो खैर अभी तक नहीं आ सका, बट ये कि वर्किंग टुवर्ड्स इट. सही. अच्छा, इसके अलावा और किसी इंस्ट्रूमेंट से शगफ नहीं रखा, दिलचस्पी नहीं रखी? थोड़े बहुत मैं बेस में बजाता हूँ, थोड़ा बहुत कीबोर्ड्स बजा लेता हूँ और ड्रम्स थोड़े से. आपको नहीं लगता कि कोई एक एकेडमी जरूर होनी चाहिए कम अज कम इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक्स की? मैं सिंगर्स की बात नहीं कर रही, मैं सॉन्ग्स की बात नहीं कर रही, मैं क्लासिकल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स की तो होनी चाहिए, क्योंकि ये वो मौसीकी है जो हो सकता है बहुत सारे लोग जो समझते हैं नहीं भी होनी चाहिए, कम अज कम इंस्ट्रूमेंट्स से तो एंजॉय कर सकते हैं और वो एक अच्छा एक. लेकिन क्यों नहीं है? ये तो ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक, मतलब इसमें क्या कंट्रोवर्सी? वजीर आजम साहब का नाम तो नहीं आता ना? कुछ पता नहीं, बात करते हैं फिर, देन वी कैन टॉक अबाउट इट. नहीं, वो असल में इतनी ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज है ना अबाउट रिलीजन में इसकी क्या स्टैंडिंग है कि उसको कभी सही प्रॉपर सपोर्ट मिली नहीं. सही. उस तरह से तो ये जरा कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट होता है, बट ये कि आई टोटली एग्री विद यू कि म्यूजिक मेरा तो ख्याल है कि हर स्कूल में कंपलसरी होना चाहिए, बिकॉज ये आपको बहुत इंटेलिजेंट भी बना लेता है. काफी लोगों ने आपको भी तबलीग करने की कोशिश की. बिल्कुल बिल्कुल की है. हाँ जी. तो क्या आप कैसे लेते हैं उसको? अच्छा लेते हैं, वो अपने काम कर रहे हैं करने दो. कभी दिल टूटा है क्या, मैं इतनी मेहनत करता हूँ और मुझे देखो क्या कहते हैं? नहीं, मुझे पर्सनली आई मीन आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर गांधी साहब, तो आई टोटली एग्री विद हिज पॉइंट ऑफ व्यू एंड ही सेज कि नहीं है रिलीजन कोई वो नहीं करता म्यूजिक के वो नहीं है, टोटली डिपेंड्स ऑन द कंटेंट कि आप क्या कर रहे हैं. अच्छा, और जो एक हमारे ज़हन में आता है कि यार जिन लोगों के हाथ में गाना बजाने का चक्कर होता है और खास तौर पे माशाल्लाह जवान भी हो और हाथ में गिटार भी हो, तो ये शो करता है कि आवारगी की सारी निशानियां पूरी हैं, तो समझते हैं महीने में एक या दो दफा घर से निकलता था. अच्छा. हाँ जी. कोई बच्चियां शुचियां, कोई लड़कियां वड़कियों का वो चक्कर वक्कर नहीं? ग्रेट. तो हर लड़के के हाथ में गिटार पकड़ा देना चाहिए. एब्सोल्युटली. अगर ये इतना इफेक्टिव है, अगर गिटार में प्रॉब्लम है, कोई ड्रग्स सेक्स कर रहा होता है या क्या कर रहा होता है, ये आजकल कितना ये सैड है ना. और हमारी मुझे समझ नहीं आती कि आजकल के बच्चों और यूथ से कम्युनिकेट कैसे करें, वो जो जुबान बोलते हैं वो हम नहीं बोलते. मैं अपने आप को इतना बूढ़ा नहीं समझती, लेकिन इसके बावजूद मुझे नहीं लगता कि मैं अपने बच्चों से कम्युनिकेट कर सकती हूँ उस जमाने में जो वो समझते हैं. मुझे लगता है मैं कोई और जुबान बोलती हूँ, ये कुछ और है ना. तो क्या करें हम इसके लिए? कुछ पता नहीं क्या हो सकता है, बिकॉज असल में मसला ये कि नई जनरेशन ये टेलीविजन की जनरेशन है. नहीं, अंग्रेजी की है. अंग्रेजी है मगर टीवी पे है ना. आप देखे ना, आप अभी बता रहे हैं कि अम्मा सितार बजाती थी, लेकिन चूंकि आपने इंग्लिश म्यूजिक सुना, अब बच्चे इंग्लिश म्यूजिक सुनते हैं. हाँ जी. दे लव गिटार्स, दे नो द नेम ऑफ सिंगर्स वी हैवंट इवन हर्ड अबाउट. और अब फिर कैसे हम कोप करें उनके साथ कि वो क्या कह रहे हैं और उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है, और अगर हम उनका टेस्ट का म्यूजिक और उनकी चीजें सुनना शुरू कर दें तो फिर हमारा क्या बनेगा, हम अपना क्या करें, है ना. सो एक मुख्तलिफ कल्चर नहीं है कहीं, कोई कंट्रास्ट काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा. हाउ टू इनको ब्रिज देम? आई डोंट नो इफ यू कैन ब्रिज देम honestly, because I personally think television, when I say television, I don't mean you know कोई particular channel, but जो western channels हैं उनका इतना ज्यादा influence है हमारे cable TV पे और सब पे कि बिल्कुल out of hand situation. लेकिन इसका एक बहुत बड़ा मसला ये है ना, आपने वही कहा जो controversies हमने डाली कि या है भी, हाँ जी, हमने अपने रोल मॉडल्स या आइकॉन्स डेवलप नहीं किए. अब हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनके पास वेस्टर्न आइकॉन्स या रोल मॉडल्स ही हैं, अब क्या करें, उनको ये चीज़ें इंस्पायर करती हैं और हमने उनको इतना पुख्ता भी नहीं किया कि उन्हें पता भी चल सके कि चलें ये करना ही नहीं है या कुछ और करना है. सो बीच में फंसे हुए लोग हैं, अब उन्होंने उसी तरफ को जाना है. Exactly. अब वी आर जस्ट हेल्पलेस देयर, है ना. सो आई विश कि हम लोग इस पर कुछ कर सकें. मैं बड़ी कोशिश कर रही थी कि आज कोई फलसफा नहीं बोलना, बड़ी लाइट लाइट गुफ्तगू पे, आदत नहीं बदलती आपने. Absolutely. आप हमेशा ही इतने स्वीट हैं.
अच्छा मुझे बड़ा मसला होता है बाज़ूकात, मैं बहुत कोशिश भी करूँ ना कि मैं एग्री कर जाऊँ इस चीज़ के साथ, ऑलवेज नो आई डिसएग्री, नो ये इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, आप नहीं इस तरह से, अगर कोई ऐसा पॉइंट हो कि मैं डिसएग्री करूँ। दूसरी बात ये कि आई पर्सनली फील कि अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट जो है ना वो आपकी आपको जो फैक्ट्स पता होते हैं उनके ऊपर जो ओपिनियन आपने बेस किया होता है उसके ऊपर होता है, एंड नो वन हैज एग्जॉस्टिव फैक्ट्स। Yes. तो ओपिनियन जो है ना दे आर ऑलवेज कमिंग फ्रॉम सम प्लेस, ठीक है, तो एवरीवन इज राइट इन देयर ओन वे, तो यू डोंट हैव टू डिसएग्री विद इट। बिल्कुल सही। अच्छा आप क्या सुनाएंगे? इंस्ट्रूमेंटल सुनाऊंगे अपना। कौन सा वाला? इसका नाम है आई रियली डू। हाँ जी, आई रियली डू। ग्रेट, ये है। ये अब बदलने लगे हैं। अब मैं बदलने लगा हूं। ये मुझे देते, मैं इस थोड़ा सा इसके साथ मैं भी शौक पूरा करती हूं। आपने कहा आपने वीडियोस को देख के सीख लिया है, आई विल ट्राई कि मैं आपको देख के कुछ सीखती हूं कि नहीं सीखती। जरूर। पहले तो बताइए हाउ टू होल्ड इट। इसको आप यूं रखेंगे इस लेग पे, इसके दो दो तरीके होते हैं, मगर मैं बेसिकली आपको जो कॉमन तरीके बता रहा हूँ, एक इस तरह रख लें। हाँ जी, ज़रा सा आगे कर दें। किसको? हाँ जी एग्जैक्टली, गिटार को। ठीक है, एग्जैक्टली। और इसको यूं पकड़ लें, एज इन आपका ये आम हाथ ही इसके ऊपर नहीं आ रहा, इस तरह के बजाय आप इस तरह कर लें, यानी आपका हाँ एग्जैक्टली, और ये गिटार कर लें। हाँ बेशक, आप इधर एक साउंड नाइस। वाओ, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे यकीन है कि आपके कानों पे नहीं वो नागवार गुजर रहा होगा। नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। हाँ, जो कॉर्ड होता है वो सी मेजर से स्टार्ट करते हैं यूजुअली, डायरेक्ट मेजर साहब। हाँ डायरेक्ट मेजर साहब, कोई कर्नल नहीं होता बीच में, कोई बीच में लेफ्टिनेंट कैप्टन कुछ नहीं, जो भी हायरार्की है मुझसे मुझे नहीं पता, डायरेक्ट मेजर। डायरेक्ट मेजर सही। अच्छा जी, ये यहाँ पे हमने सेकंड कॉर्ड पे रखा, सेकंड वाले उस पे। हाँ, इसके बेसिकली ये आपकी छह स्ट्रिंग्स हैं और इनके नाम हैं ई जी बी डी ए ई या ई ए डी जी बी ई। ऊपर से जा रहा है, बहुत ही ऊपर से ज्यादा। ठीक है, कोई कितने रेंज में भी नहीं है कैसे करते हैं। डोंट वरी अबाउट इट। सही। तो ये हां जी, अब मेरी एबीसी तो नहीं आएगी मुझे, अब इसको क्या करूं? सेकंड पे प्रेस किया। हां, इनफैक्ट आप हां चलिए वही कर लें। आप यहां पे दो फिंगर्स रखें, रख सकते हैं। कहां पे? इस थर्ड फ्रेट पे, ये हमारा 1 2 3 थर्ड फ्रेट पे, ये एक दो तीन। हां जी, इधर ये पिंकी और रिंग फिंगर, ये और ये। हाँ जी, ये बजाएं, ये चार स्ट्रिंग नीचे। वाओ, ये क्या है? ये जी मेजर है, अगर आप सिर्फ निचली चार बजाएं तो। सिर्फ निचली चार? हाँ जी, एक दो तीन चार। हाँ बल्कि जी फाइव। एग्जैक्टली, फर्स्ट लेसन है। हाँ ये फर्स्ट लेसन। और ये व्हाट डज इट मीन? इट मींस यू प्लेइंग द जी मेजर कॉर्ड। गिटार बड़ा अच्छा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं। क्या खवातीन ये बजाती हुई अच्छी नहीं लगती? मेरा तो ख्याल अच्छा। आपकी फैंटेसी में है खातून गिटार बजाती हुई? नहीं ना, तो नहीं है, क्यों नहीं? अच्छा जी, चलिए। अच्छा जी, तो ये है मेरा इंस्ट्रूमेंटल। ये मैं इंस्ट्रूमेंटल बजाऊंगा। इसमें लैपटॉप भी यूज होता है? लैपटॉप भी यूज होता है जी, बिल्कुल। इसमें मैं करूंगा ये कि मैं बैकिंग ट्रैक इससे बजाऊंगा और बाकी जो है इसके ऊपर मैं फिर लीड बजाऊंगा इसकी। वाओ, हां जी। सो एक छोटा सा ब्रेक लेके आते हैं वापस, जब तक ये सारी टेक्निकल चीजें जो है मे बी इन कंट्रोल कर लें, और हम आएंगे वापस। साथ रहिएगा, गिटारिस्ट हैं और अभी आप हमें इंस्ट्रूमेंटल वो सुनाने जा रहे हैं। चलें जी।